वेलकम बैक टू साशा हियर। दोस्तों एक दफ़ा फिर लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कॉमन सेंस से भरपूर पहेलियाँ। जी तो दोस्तों, यहाँ पर है एक बहुत ही मज़े का सवाल। इंसान के जिस्म के किस हिस्से को अंग्रेज़ी के एक हरफ में बयान किया जा सकता है? दोस्तों अगर आप हैं जीनियस और आपको आता है इस पहेली का जवाब, तो आप मुझे 7 सेकंड में कमेंट कर सकते हैं। 7 बाई 2 साल के फर्क से पैदा हुए। सबसे छोटे भाई की उम्र 7 साल है। सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी होगी? दोस्तों इस पहेली का छोटा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ, वो है खाने वाली चीज़। बिल्ली सफ़ेद एक मैंने देखी बैठी थी गुमसुम, जिस्म था इसका सारा ही गोरा, हरी थी लेकिन दुम। दोस्तों ये है आपके लिए एक चैलेंज कि आप अपना दिमाग लड़ाएं और इस पहेली का जवाब मुझे बताएं 7 सेकंड में। एक कैदी से कहा जाता है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो हम तुम्हें फांसी देंगे, अगर तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। वो खुद को बचाने के लिए क्या कह सकता है? दोस्तों ये सवाल है जीनियस लोगों के लिए। आप एक लकीर खींचते हैं, इसे छुए बगैर लकीर को लंबा कैसे कर सकते हैं? चलें दोस्तों बताएं, हम 2 भाई हैं सड़क के मुखालिफ समत में, लेकिन हम कभी एक दूसरे को नहीं देखते, हम कौन हैं? दोस्तों बहुत ही ट्रिकी सा सवाल है। अगर 3 माल्टे हों और आप 2 ले जाएं, तो आपके पास कितने होंगे? चलें बताएं दोस्तों, अगर जेब में कुछ ना हो तो इसमें कुछ भी कैसे हो सकता है? चलें बताएं दोस्तों, यूरोप में रहने वाली खातून को कनाडा में दफन क्यों नहीं किया जा सकता? दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यह है एक बहुत ही मज़े का सवाल। मैं एक फल हूँ, मैं एक परिंदा हूँ और मैं एक शख्स हूँ, बताएं मैं क्या हूँ? दोस्तों यहाँ पर है एक और बहुत ही मज़े की पहेली। मुझे खिलाओ और मैं ज़िंदा रहूँगा, लेकिन मुझे पिलाओ तो मैं मर जाऊँगा, मैं क्या हूँ? चलें बताएं दोस्तों, मैं सारा दिन उड़ता रहता हूँ लेकिन कहीं नहीं जाता, मैं क्या हूँ? जी तो फ्रेंड्स, आई नो इसमें से कुछ पहेलियाँ तो बहुत ही मज़े की, इंटरेस्टिंग है और कभी कभी कुछ पहेलियाँ बहुत सी ओंगी बोंगी भी होती हैं। आपको आज की इस वीडियो में कौन सी पहेली बहुत मज़े की लगी और कौन सी पहेली बहुत ही फजूल लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।
दोस्तों ये सवाल यकीनन आपको पसंद आएगा। मेरे पर हैं और मैं उड़ने के काबिल हूँ। मैं परिंदा नहीं हूँ लेकिन मैं आसमान में बुलंदी पर उड़ता हूँ। मैं क्या हूँ? चलें बताएं दोस्तों वो कौन सी चीज़ है जिसे इस्तेमाल करने से पहले हर हाल में तोड़ना होगा। दोस्तों बहुत ही ट्रिकी सा सवाल है। एक चरवाहा जुमे के दिन शहर में दाखिल होता है, 3 दिन ठहरता है, फिर जुमे पे चला जाता है। इसने ये कैसे किया? चलें बताएं दोस्तों, मेरे 100 इज़ा हैं लेकिन मैं चल नहीं सकता। मैं क्या हूँ? चलें बताएं दोस्तों किसका वजन ज्यादा है, 1 टन लोहा या फिर 1 टन रुई? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 2 बाप और 2 बेटे एक कार में हैं, फिर भी गाड़ी में सिर्फ 3 लोग हैं, ये कैसे मुमकिन है? चलिए बताएं दोस्तों, किसान के पास 17 भेड़े हैं और 9 के अलावा बाकी सब मर गए हैं, बाकी कितनी बच गई हैं? जी तो दोस्तों यहाँ पर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। 3 डॉक्टरों ने कहा कि पीटर इनका भाई है। पीटर ने कहा इसका कोई भाई नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है? बहुत ही मजे का सवाल है। ये सुबह अपना सर खो देता है लेकिन रात को वापस मिल जाता है, ये क्या है?